यार इतने सीरियस क्यों रहते हो? तुम संसार में आयो, आईसीयू में नहीं। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं, तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में दो बार अपने पति से जरूर लड़े। कौन कहता है लड़कियां घमंड करती हैं? लड़कियां पहले मेकअप करती हैं, फिर घमंड करती हैं। किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है, तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ, आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। प्यार भी बड़ा अजीब है। माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, भाई से हो तो विश्वास, बहन से हो तो फर्ज, वाइफ से हो तो सब कहते हैं नालायक जोरू का गुलाम। अरे जबरदस्ती माँ बाप से अलग होने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रहते हैं। यकीन ना हो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देख लो। एक दिन भगवान ने एक आदमी की सारी मेमोरी डिलीट कर दी, फिर उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। यार एक बात बताओ, हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस नींद पूरी नहीं होती है। अगर आपको ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार आप थोड़ी। दो मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ। दो मिनट में फिर क्या होगा? आजकल सिर्फ मोबाइल को पता है कि उसके मालिक का कैरेक्टर कैसा है, वरना दुनिया की नजर में तो वो शरीफ ही है। घर में तीन टाइम का खाना मिल जाता है, काफी है साहब, इज्जत का हमें कौन सा अचार डालना है। हाँ अरे कोई भी अपनी बीबी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। आपको पता है केवल मादा मच्छर ही खून चूस सकती है, नर मच्छर केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम हर जगह सेम टू सेम है। तुम्हारा अगर मेरे से मन भर गया ना तो साफ साफ बोल दो। साफ साफ अच्छा आपका वेट कितना है? मैडम जी चश्मे के साथ 70 किलो। आज और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। आपको पता है क्या बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी?